सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किया था कि हर नागरिक को आगे बढ़ाते हुए 14 अगस्त को प्रातः 10 बजे राजस्थान के तमाम कृषि विद्यार्थियों द्वारा एक ट्विटर महाअभियान चलाया जा रहा है। उसका जो हैशटैग है वो आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से मिल गया होगा, कृषि पर्यवेक्षक के पद सर्जित करें। हर ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सर्जित करें। और आप सभी को पता है कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती तब आएगी जब हर ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सर्जित होगा। और आप सभी को पता है कि 4000 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी कृषि पर्यवेक्षक का पद सर्जित नहीं है। तो आप अपने बहुत जल्द कृषि विभाग द्वारा कृषि पर्यवेक्षक के पद सर्जित कर दिए गए तो उसके बाद में भर्ती आना संभव है। और जब तक पद सर्जित नहीं होंगे तब तक कृषि पर्यवेक्षक भर्ती जारी नहीं हो सकती। तो मैं राजस्थान एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी और आप तमाम बेरोजगार विद्यार्थी से भी अपील करूंगा, तमाम कोचिंग संस्थान हो चाहे कृषि के विद्यार्थी हो चाहे यूट्यूबर चैनल हो, सभी से अपील करता हूं कि आप इस अभियान में भाग लीजिए। और हर एक एक वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल साइट्स पर चाहे कोई भी साइट्स हो आप उस पर वीडियो बना के डालिए कि राजस्थान में 14 अगस्त को प्रातः 10 से 11 बजे तक तमाम कृषि विद्यार्थियों द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है ट्विटर अभियान। उस अभियान में आप भाग लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और मैं उस मीडिया के माध्यम से मैं बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि सरकार तक हमारी बात, हमारी वाजिब मांग कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक के पद सर्जित हो, वो तमाम मांगे मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक हमारा पहला स्टेप था कि बेरोजगार युवा सम्मेलन और अब ट्विटर अभियान, उसके बाद में मीडिया से रूबरू होकर आपकी मांग सरकार तक पहुंचाना और सितंबर अंत में एक राजस्थान जयपुर के अंदर एक विशाल धरने का आयोजन कराया जा रहा है राजस्थान एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा। तो तब तक आप ट्वीट पे अभियान करिए, आप घर बैठकर इस अभियान में भाग ले सकते हैं। तो आप अपने जितने भी सगे दोस्त हैं उन सभी को जो भी कृषि विद्यार्थी